अस्सलाम वालेकुम। कंडीशनल प्रॉबिलिटी को हम पीछे डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसी की आगे उसको लेके चल रहे हैं। तो उसको कुछ मल्टीप्लिकेशन लॉज हैं प्रॉबिलिटी के, तो उनको देखें। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये है कि दूसरे दूसरे के कोई इवेंट डिपेंड सेपरेट से, तो अगर एयर भी डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट क्या है कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी प्रॉबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रॉबिलिटी ऑफ बी, यानी प्रॉबिलिटी ऑफ ए और प्रॉबिलिटी ऑफ बी का प्रोडक्ट ले लेंगे आप इस केस में। आपको याद होगा कि यूनियन के केस में जब यहाँ पे ए और बी या ए यूनियन बी आता था, तो उस केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते थे। हम लिखते थे रिजल्ट प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी, या हम लिखते थे प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस केस में ये प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, या एंड का जिक्र आएगा कि वेदर प्रॉबिलिटी ऑफ ए एंड बी है। इसका मतलब ये है कि और के केस में यूनियन आता है, एंड के केस में यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो इसका ये प्रूफ किया गया कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, और उनके बारे में डिटेल बताई गई है कि इवेंट ए में एन पॉसिबल आउटकम है और उसमें एम जो है वो फेवरेबल आउटकम। इसी तरह इवेंट बी के अंदर कैपिटल एन पॉसिबल आउटकम्स हैं और उसमें जो फेवरेबल हैं वो कैपिटल एन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जाहिर है जो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। और इसी तरह से इस इवेंट बी के लिए भी हमारे पास अब चूंकि इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटकम्स की तादाद है वो इनके प्रोडक्ट पे इक्वल हो गई। जितने एलिमेंट्स आपके ए के लिए थे और जितने एलिमेंट्स आपके बी के सैंपल स्पेस के लिए हैं, तो अगर हम कोई सैंपल स्पेस बनाना चाहेंगे तो उसमें ए और बी को इकट्ठा रखना चाहेंगे, तो फिर हमें इनका प्रोडक्ट लेना। तो इसको हम ज्वाइंट इवेंट कहेंगे। तो इस केस में जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स ए और बी के हैं, वो उनकी तादाद जो है वो भी प्रोडक्ट में आ गई एम टाइम्स कैपिटल एन। ये जो इवेंट्स हैं ये हमारे पास ए के लिए फेवरेबल थे, ये बी के लिए। जब हम ये इंटरसेक्शन बी कंबाइन की बात करते हैं तो फिर हमें कई प्रोडक्ट लेंगे और नीचे सेंट स्पेस के एलिमेंट्स का भी प्रोडक्ट लेना। तो इसमें हम इनको क्या अलग अलग लिख सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी ए और ये प्रॉपर्टी है बी। फिगर से भी आप देखें कि तो इसमें तादाद है, इसमें स्मॉल एन है, और इसमें जो फेवरेबल आउटकम है स्मॉल एन है, इसमें फेवरेबल आउटकम कैपिटल एन। तो इस केस में जब ये बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो हमारा रिजल्ट प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ए एंड बी होगा। इसके बाद डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में यहाँ पे हम इसको दो अंदाज में लिखेंगे कि प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी विल बी प्रॉबिलिटी ऑफ ए टाइम्स कंडीशनल प्रॉबिलिटी ऑफ बी, या इसको हम प्रॉबिलिटी ऑफ बी टाइम्स कंडीशनल प्रॉबिलिटी ऑफ ए। तो ये दोनों तरीकों से इसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखें, हमारे पास अगर एन सैंपल पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस एस के अंदर, और ए और बी जो हैं वो नॉन इंडिपेंडेंट है, तो इवेंट ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो एन वन और एन टू है। इवेंट ए में एन वन है और इवेंट बी में एन टू है, और टोटल जो हमारे सैंपल स्पेस है उसमें एलिमेंट्स की तादाद है। और जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है उसमें हम देख लेते हैं हमारे जो आउटकम्स हैं उनकी तादाद एन थ्री, और नीचे हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी लिख दीजिए कि ए हैज़ एन वन, बी हैज़ एन टू, एंड इंटरसेक्शन बी हैज़ एन थ्री। अच्छा, अब वो इस चीज़ को कहीं दिखाया गया है जो भी इंटरसेक्शन बी वो तो ये है एन थ्री है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब ये इनको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं इस तरह से कि एन थ्री
ओवर एन एन वन करना और एन वन ओवर अब फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करती है के साथ, तो ये भी चीज़ है एन थ्री ओवर एन पॉजिटिव इंटरसेक्शन भी है एन वन ओवर एन प्रॉबिलिटी होती है, और इस तरह से ये भी प्रॉबिलिटी है। अब ये भी चीज़ है, ये भी क्या है, ये बेसिकली कंडीशनल प्रॉबिलिटी है। तो ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी है बी की, ऑलरेडी ए हैज ऑलरेडी हैपेंड गिवन दैट जो नीचे लिखी हुई प्रॉबिलिटी है, तो इसका मतलब है कि ए की जो प्रॉबिलिटी वो ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, तो फिर ये कंडीशन प्रॉबिलिटी किसकी होगी, ये बी की होगी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी गिवन और ये प्रॉबिलिटी दे रहा है नीचे जाएगा, तो ये एक प्रूफ करती है पार्ट का। अब इसके इसी पर हम सेकंड प्रूफ कर लेते हैं। सेकंड प्रूफ में हम एन थ्री और एन को ले लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं इस तरफ राइट साइड पे एम टू से एनी लाइन्स पर जैसे पीछे किया है आपने, तो यहाँ पे ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी है ए रह जाएगा गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड और ये प्रॉबिलिटी होती है। तो इस केस में जब ये नॉट नॉन इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारा प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी जो है वो इस तरह से दो। अच्छा उसके बाद एग्जांपल है, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए 0.4 है, प्रॉबिलिटी ऑफ बी 0.3 है, आप इन सब की प्रॉबिलिटीज फाइंड आउट करें। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें पार्ट में, तो क्यों रही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनकी जो प्रॉबिलिटीज हैं वो उनके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स की इक्वल हो गई, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है बी भी गिवन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें कंडीशन प्रॉबिलिटी ऑफ ए चाहिए, तो कंडीशन प्रॉबिलिटी ऑफ ए के लिए हमारा रिजल्ट जो सिंपल डेफिनेशन है कि प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी और प्रॉबिलिटी ऑफ बी, तो प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो भी आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया और प्रॉबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी जो है इसका भी रिजल्ट आया। थर्ड पार्ट में हम कंडीशन प्रॉबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका भी आप डायरेक्ट डेफिनेशन से रिजल्ट निकाल लेते हैं। फोर्थ पार्ट में प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो इसके इक्वल है प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब चूंकि ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू लगाने से नेट रिजल्ट मिल रहा है। फिफ्थ पार्ट है हमारा कि हम प्रॉबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं। ये रूल ऑलरेडी आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वो है ये रूल यूज किया गया सेट्स के लिए। अब ये कॉम्प्लीमेंट है उसको वन में से माइनस किया जा सकता है, जैसे कि आप अगर देखें तो कोई सैंपल स्पेस एस और उसके उसके अंदर एक एलिमेंट ए हो, आधा हिस्सा वो ए में होगा और आधा हिस्सा जो ए से बाहर है वो ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और ए कॉम्प्लीमेंट का सम है तो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस बना देगा। इसका मतलब ये हुई कि प्रॉबिलिटी है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये बेसिकली वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की प्रॉबिलिटी ऑलरेडी आप इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें आप इंटरेस्टेड हैं प्रॉबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और ओवर बी कॉम्प्लीमेंट, मींस कि आप कंडीशनल प्रॉबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए आप रिजल्ट की यूज करेंगे डेफिनेशन यूज करेंगे व्हिच इज प्रॉबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ओवर प्रॉबिलिटी ऑफ बी। तो इसका रिजल्ट अभी आपने फाइंड किया है पीछे और बी कंप्लीमेंट को आप लिख सकते हैं वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ बी लाइन्स पे, जैसे पीछे एग्जांपल में पीछे पहले पार्ट में हमने इसको लिखा था, मीन की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और